हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि एसआर संतूर के सस्पेंशन फॉक्स को हम लोग आपको दिखा रहे थे, जिसमें से लगभग लगभग तीन या चार हमारा जो सस्पेंशन फॉर्क होता है वो सब को हम लोगों ने कवर कर लिया था। बस एक लास्ट बेसिक वाला था सस्पेंशन फॉर्क, जो कि आपको काफ़ी कम बजट में मिल जाएगा। यहाँ पे बजट की बात करें तो संतूर का जो सस्पेंशन होता है थोड़ा सा महंगा आता है। पिछली वाली वीडियो में लोग कमेंट कर रहे थे कि आप बजट की बात कर रहे हैं और वो सस्पेंशन 10,000 रुपये के आसपास में आ रहा है, तो भाई कौन सा बजट हुआ। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, हमारा तो काम है वीडियोज़ बनाना और प्रोडक्ट्स को दिखाना, चाहे वो कितनी भी कॉस्टली हो जाए। अगर आप कहिएगा तो आज वाली वीडियो जो हम दिखा रहे हैं वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो आपको 5,000 से 8,000 रुपये के बीच का ही सस्पेंशन है। किसी के लिए महंगा हो सकता है तो किसी के लिए सस्ता भी हो सकता है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको सस्पेंशन फॉक दिखाएंगे, वो अगर कमेंट करिएगा तो एसआर संतूर का एयर सस्पेंशन फॉक रहेगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई बजट हो जाएगा और नॉर्मल वाले साइकिल में इंस्टॉल नहीं होता। मरीन अल्कतराज वाले फ्रेम के टाइप का फ्रेम आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आपके साइकिल में इंस्टॉल होगा। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ से करीब से दिखा देते हैं फिर से सस्पेंशन फॉक। अगर बजट की बात करें ना, तो बजट में कुछ इस टाइप का भी सस्पेंशन फॉक आता है, मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। 650 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक के रेंज में आता है। मेरे पास 650 वाला नहीं है भाई, कमेंट मत कीजिएगा, मार्केट में मिलता है, दुकान में जाकर ले लीजिएगा। मेरे पास उतना भी चीप क्वालिटी वगैरह का नहीं आता है। आज जो हम लोग एसआर संतूर का कवर करेंगे ना, वो हो जाएगा ये वाला, ये है M3030। काफ़ी बेसिक टाइप का है, लाइट वेट भी है, उतना ज़्यादा इसमें वजन भी नहीं है। चलिए आज हम लोग इसी को कवर करते हैं। सबसे पहले सस्पेंशन फॉक हम आपको दिखाते हैं कि सस्पेंशन फॉक कैसा, ये देखिए करीब से, वो देखिए भाई लुक तो देखिए एक बार सस्पेंशन फॉक का कैसा आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऊपर से नीचे तरफ में देखिएगा, ऊपर से नीचे के तरफ में तो हल्का सा पतला टाइप का ये इसका जो ट्यूब लगता है फ्रेम, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मोटा और यहाँ पे हल्का सा पतला है। इसे भी आप सर्विस कर सकते हैं। यहाँ पर एक बोल्ट दिया गया है, एक बोल्ट यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आपको हर एसआर संतूर के फॉर्क में मिल जाएगा। इस साइड में आपको सीधे की टाइप में अलग से एक अलग वाला एडेप्टर लगाना पड़ता है ब्रेक को इंस्टॉल करने के लिए। 160 में तो मैंने देखा है कि वॉशर लगा के लगा लेते हैं, लेकिन 180 वाला रोटर लगाइएगा तो अलग करना पड़ेगा। बाकी देख सकते हैं बहुत अच्छा प्यारा सा ब्रांडिंग किया गया है, देख सकते हैं एसआर संतूर, मॉडल नेम भी लिखा हुआ है M3030, साइज़ है 27.5 इंच, एलॉय है, मोटा है और अच्छा रहेगा। मतलब देखिए सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखिए मेंशन रहता है और दोनों साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप लगा हुआ है। इसको ये मत समझिएगा कि ये फाइन एडजस्टिंग है या फिर आप इससे प्रीलोड वाला काम कीजिएगा, सिंपल इसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रीलोड नहीं है, ना ही इसमें लॉकआउट का फीचर मिलता है। बाकी सिंगल मोल्डेड ये भी आपको मिलेगा और इसके ट्रैवल की बात करें 70 से 80 mm आपको मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए। फिर भी हम लोग इसको प्रेस कर देखते हैं। ये देखिए अब थोड़ा सा करीब आइए, हम आपको दिखाते हैं हाथ से। अभी प्रेस करने पे यहाँ पे आपको एक हल्का सा लाइन भी दिख रहा होगा, हाथ से प्रेस करने पे दिख रहा होगा इतना भी ट्रैवल आ गया है, जो कि लगभग लगभग 50 mm मुझे लग रहा है। साइकिल में इंस्टॉल होने के बाद हो सकता है या 20 या 30 mm और भी ज़्यादा बढ़ जाए, तो मान के चलिए 70, 75 या फिर 80 के आसपास ये आपको ईजिली मिल जाएगा ट्रैवल। और इसका जो ऊपर वाला ट्यूब है काफ़ी लंबा रहता है, तो आपको मे बी इसे कट करना पड़ेगा अपने साइकिल के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करने के बाद। और प्राइस की बात मैंने तो अभी आपको बता दी, 5,000 से 8,000 के रेंज में ये वाला मिल जाएगा आपको ईजिली। टाइम भी देख लीजिएगा, टाइम के अकॉर्डिंग और लोकेशन के अकॉर्डिंग और कहां से आप परचेज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग प्राइस टाइम टू टाइम वैरी कर जाता है। बाकी ये सस्पेंशन फॉक मुझे अच्छा लगा, इसकी कंपैरिजन में अगर बात करें तो ये वाला थोड़ा सा लाइट वेट है, ये थोड़ा हेवी भी है, मजबूत भी है। ये कौन सा है भाई, XCE28 है, चलो इसको रख देते हैं। बाकी ये वाला सस्पेंशन फॉक मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप चाहे तो इसे डू इन मेट्स की एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप डू इन मेट्स की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद वहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।